औरंगाबाद और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मिला के। पैंतीस जमातें हमारी थी, 10 जमातें आज समझो एक जमात चली गई, अभी 9 जमातें आज रवाना हो रही है, जिसमें तेलंगाना की हैदराबाद की 2 जमातें हैं, खम्मम की 1 है, ऐसे 3 जमातें जो है तेलंगाना की है वो जो आज रवाना हो रही है, और महाराष्ट्र के बाहर की जो एक जमात है जिस मेवात की वो भी आज रवाना हो रही है। महाराष्ट्र की इंटरनल जो जमातें थी हमारे पास अमरावती की 3 थी, सांगली की 1 थी, मंगलूर पीर की जो है तो 1 थी, ऐसे टोटल आज हमारे 9 जमात और वो एक गई मिला के 10 जमातें हमारी रवानी हुई। अभी 25 जमातों के अंदर में से जम्मू कश्मीर और अंडोबार निकोबार की दोनों की परमिशन स्टेट की हमको आ गई है, लेकिन उनकी जाने की सहूलत को हम मद्देनज़र देखते हुए उसको रवाना करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। बाकी जो बचे हुए प्रोसेस के अंदर में है ये सारी जमातें 35 में से ये टोटल प्रोसेस में है, जैसे जैसे परमिशन ग्रांट होते जाएंगी वैसे वैसे रोज़ाना जमातों को हम रवाना करेंगे, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 जमातें हम रवाना कर रहे हैं। अभी जो ये जो जमातें हम रवाना कर रहे हैं उनका प्राइवेट निज़ाम बना के रवाना कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं जैसे जो जम्मू कश्मीर की है, अंडोबार निकोबार की है, आसाम की है, तो इसके लिए यहाँ से लंबा सफ़र है। अगर इन बिटवीन गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन आ रही है ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि ट्रेनें फौरी चालू होने वाली है, अगर वो सहूलत हो जाती है एक आध हफ्ते के अंदर तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारे लिए वो आसानी होंगी वो जमातों को रवाना करना। अगर हमको ऐसा लगता है कि वो मामला नहीं होता है तो प्राइवेटाइजेशन कैसा हम कर सकते हैं वो करेंगे और इंशाल्लाह रवाना।